अपने पास में किया सेल्टोस ऑटोमेटिक और ये अपने पास में क्रेटा। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले और अपने जो ऑनेस्ट रिव्यू है यूज़ करने के बाद में जो ऑनेस्ट रिव्यू है, ऑनेस्ट फीडबैक है, वो शेयर करने वाले। तो दोनों की करते पहले टेस्ट ड्राइव और फिर देखते दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेटा की और सेल्टोस की। तो हम लोगों ने कुछ दिन से यूज़ कर रहे हैं और आज हम लोग आपको शेयर करने वाले एक्चुअल ऑनर फीडबैक क्या है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और हम लोगों के रीजंस क्या रहे क्रेटा या फिर सेल्टोस किया लेने के लिए। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अभिजीत भाई साथ में है। हेलो। तो अभी अभिजीत भाई टेस्टिंग कर रहे हैं क्रेटा की। हाल फिलहाल में बच्चा पार्टी और हम लोग सब क्रेटा में बैठे हुए और अभिजीत भाई अपनी जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो शेयर करेंगे। अभी आगे ओपन करेंगे। तो अभी अपनी छोटा सोसाइटी से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और आज एक्चुअली बताने वाले हैं कि किया अच्छी है या फिर क्रेटा अच्छी है, कौन सी सही है और कौन सा डिसीजन सही रहेगा। बच्चा पार्टी भी साथ में। तो ये पेट्रोल है, क्रेटा पेट्रोल में है। एक सर्विस हो चुकी है इसकी और बाकी की अगस्त 2022 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी। एक महीने पुरानी डेट मिल गई थी इसकी क्योंकि अब तो इन्वेंट्री नहीं रहती पुरानी। हाँ, करेक्ट। तो अभिजीत भाई आज होस्ट करने वाले और बताने वाले कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, क्योंकि दोनों की अगर बजट ट्रेंड या फिर फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है थे किया में और क्रेटा में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की मतलब ब्रदर और वही बात है कि दूसरे की दोनों ब्रदर ही है। आई गेस किया हुंडई का ही प्रीमियम और एक डिफरेंट सेगमेंट के रूप में लॉन्च किया है। अच्छा, क्योंकि मदर कंपनी सब बताते हैं हुंडई है। हाँ हाँ। तो अभिजीत भाई के पास में किया है, इन्होंने भी रिसेंटली ली है। तो आज हमने सोचा कि इस पे एक कुछ लोगों के डाउट से मेरे दोस्त पूछ भी रहे थे कि क्रेटा लेनी चाहिए या फिर क्या लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, अपने जो ऑनेस्ट फीडबैक है और व्यूअर्स के साथ में शेयर करते हैं। तो अभिजीत भाई अभी तक तो कोई फर्क लगा कुछ? मुझे तो कोई खास फर्क नहीं पता चला। अच्छा, अगर दोनों अगर सेम सेगमेंट मतलब पेट्रोल दोनों पेट्रोल व्हीकल चलाएंगे तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। अब अगर आप कोई डीजल और पेट्रोल का कंपैरिजन करेंगे गाइस प्लीज कीप साइलेंस, कुछ बात कर रहे ना बेटा, अंकल बात कर रहे हैं। हां, एक मिनट। सो फीचर वाइज परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देख रहे हैं तो क्रेटा और किया में आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अब अगर आपको चलाने के बाद फील और कंपैरिजन में लॉन्ग रन में कुछ पता चलता है तो बात अलग है। बाकी अभी तक जितना मैंने ड्राइव करा मुझे कोई बहुत फर्क नहीं लगा। छोटा मोटा फर्क पड़ सकता है क्योंकि मेरा जो मॉडल है वो IMT है तो वो क्लच लेस है तो वो एक डिफरेंस है। बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मोर और लेस पिकअप या परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों सिमिलर से ही है। दोनों ही सेम चल रही है मतलब? अगर सेम ही चल रहा है। ओके ओके। और अगर फीचर्स की बात करें तो आई कैन सी कि दोनों में सनरूफ है जो मॉडल डॉक्टर भाई का है या तो ऑटोमेटिक जैसे इसमें भी क्लाइमेट कंट्रोल है आई गेस। तो अगर आप SX मॉडल उसकी देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स दिखेंगे, चलने में परफॉर्मेंस भी सेम दिखेगा। कहाँ? अभी हम लोग आ चुके हैं मेन हाईवे पे। परफॉर्मेंस वाइज इन द सेंस जैसे मैंने बात करी RPM की तो दोनों का RPM लगभग सेम ही है। सेम है। IMT जब आप चलाएंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि उसमें क्लच नहीं होने के कारण थोड़ा सा वो जब आप जैसे ओवरटेक करेंगे तो एक लैग आएगा, उसके बाद फिर वो रन होगी क्योंकि उसमें कुछ इन लोगों ने सेटिंग ऐसी कर रखी है कि वो इंडिकेशन देता है कि रिड्यूस स्पीड या शिफ्ट गियर, तो वो एक टेक्निकल डिफरेंस है मे बी बिकॉज ऑफ क्लच। बाकी इन टर्म्स अदर इट्स ऑल सेम। तो अगर परफॉर्मेंस की या फिर ड्राइविंग कंफर्ट या फीलिंग की बात करें वो तो दोनों गाड़ी की बिल्कुल सेम ही है क्योंकि अभिजीत भाई अभी क्रेटा ड्राइव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी जो फाइंडिंग है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। कोई डिफरेंस बाकी फीचर्स का तो फिर होता है कि भाई ऑटोमेटिक का अलग होता है, मैनुअल का अलग होता है, वो तो एडिशनल फीचर होते हैं तो वो उनकी अपनी क्वालिटी होती है अलग अलग। बाकी ड्राइविंग की जो कम्फर्ट है और जो फीलिंग है वो दोनों गाड़ियों की लगभग सेम है। बच्चा पार्टी खूब इंजॉय के मूड में। और अभी हम लोग
टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। किया ST के प्लस IMT मॉडल है ये, और इसकी ड्राइव करने वाले। तो इसमें ये सिस्टम है, गियर सिस्टम, इसमें मैनुअल चेंज कर सकते हैं, बट इसमें क्लच नहीं होता, सिर्फ इसमें क्लच लेस है इसमें, और इसमें एक्सीलरेटर है और ब्रेक है, और डैशबोर्ड तो उसका काफी अच्छा दिख रहा है अंदर से। तो अभी चला के इसकी टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। कि कुछ डैशबोर्ड ऐसा है, तो डैशबोर्ड तो दोनों का डिफरेंस है, इसका थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे डैशबोर्ड, थोड़ा सा उसका डिस्प्ले, उसका थोड़ा नीचे लग रहा है इसके कंपैरिजन में। नीचे आना बेटा, एक बार दक्षु को आ जान दो, लेट्स। और बच्चे यहाँ भी सेल्टोस का मजा लेते हुए सनरूफ का। 5 मिनट्स पहले आप दोनों, आप छोटे बच्चे फिर बिग बच्चे, ओके आ जाओ रणवीर, 5 मिनट। तो चलने में तो ये भी बहुत ही सिमिलर है करेटा के, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो मेरे करेटा लेने की जो मेन वजह रही, एक तो वो ये रही कि ये जो ब्रांड है बहुत ही मार्केट में, होंडा करेटा सब जानते हैं कि एस्टैब्लिश ब्रांड है, और होंडा करेटा की जो रीसेल वैल्यू है बहुत अच्छी है, और एक प्रूवन प्रोडक्ट है मार्केट में। और दूसरा जो फीचर मुझे इसका अच्छा लगा वो ये लगा कि इसकी जो सनरूफ है काफ़ी बड़ी है किया के कंपेरिजन में। तो थोड़ा दिखा भी देता हूँ मैं आप, हमने करेटा की सनरूफ है और ये किया की सनरूफ है, तो मुझे ये थोड़ी इसकी सनरूफ ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, और इस पर काफ़ी बड़ी भी है, तो मुझे इसलिए करेटा अच्छी लगी और मैंने करेटा ली। बाकी तो देखने में दोनों गाड़ी डायमेंशन और अगर परफॉर्मेंस इंजन की बात करें काफ़ी दोनों की सेम है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, आप अभिजीत भाई से पूछते हैं कि अभिजीत भाई ने किया लेने की क्या वजह रही, इनकी प्रेफरेंसेस क्या थी? मेरी दो प्रेफरेंसेस थी, एक तो मेरे को लेटेस्ट फेसलिफ्ट मॉडल मिल गया था 2020, ये जो फेसलिफ्ट मॉडल है, ठीक है, मॉडल है 2022, ठीक है। और सेकंड ये है कि मेरे को इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, ओके, कंपैरेटिवली दूसरी कार में इस सेगमेंट में नहीं मिल रहा, ओके प्राइमरी ये मेरा एक रीजन था, थोड़ा गुड लुकिंग वाला मेरा प्रेफरेंस था, ओके तो गाइस ये कुछ हम लोगों के प्रेफरेंसेज है, पर्सनल प्रेफरेंसेज है, उस बिहाब पे हम लोगों ने गाड़ियाँ डिसाइड करी अपनी। अभिजीत भाई ने किया ली, मैंने करेटा ली। तो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कौन सी लेनी चाहिए, किया या फिर करेटा। फीचर्स, लुक्स, डायमेंशन और इंजन की पावर को देखते हुए दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही सिमिलर है, तो परचेज करने के लिए कुछ मेन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा मेन फैक्टर्स मुझे लगता है वो लगता है अवेलेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ मार्केट में हाई डिमांड में है और दोनों पे अच्छी खासी वेटिंग है, तो जो भी पहले अवेलेबल होती है एक तो उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर रहेगा कि आपको पर्सनली कौन सी गाड़ी देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, लुक वाइज या फिर फीचर्स वाइज। और तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आपको कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स लगते हैं कम प्राइस में। चौथा फैक्टर ये हो सकता है कि जैसे होंडा क्रेटा है, तो जैसे ये जो ब्रांड है क्वाइट इस्टेब्लिश ब्रांड है मार्केट में, और किया भी नहीं है, तो किया को अभी मार्केट में अपना आपको प्रूव करना है। बाकी अगर देखा जाए होंडा की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी इस्टेब्लिश ब्रांड है, तो इनके जो सर्विस सेंटर है सभी जगह अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से। तो होंडा क्रेटा की अगर सर्विस नेटवर्क के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा है वो। सो गाइस, ये थी अपनी कुछ फाइंडिंग्स क्रेटा और किया के बारे में। बाकी आप लोगों का कोई स्पेसिफिक कमेंट है, फील फ्री टू पोस्ट इन वीडियो कमेंट सेक्शंस, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर।